बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन मामले को गंभीरता से लेते हुए मुंबई पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। मुंबई पुलिस पूरी तफ्तीश में लगी है कि आखिर वो कौन सी वजह थी जो सुशांत ने इतना बड़ा कदम उठाया। इस मामले में पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत की कॉलर डिटेल्स निकाली हैं, जिससे पता चलता है सुशांत ने आखिरी बार कॉल अपने दोस्त महेश शेट्टी को किया। सुशांत के परिजनों और करीबी दोस्तों से पुलिस ने पूछताछ की है। रिया चक्रवर्ती के साथ 9 घंटे तक पुलिस ने बीते कल पूछताछ की और सुशांत के कॉलर डिटेल से पता चलता है कि निधन के 3 दिन पहले तक और निधन के ठीक पहले तक सुशांत ने सबसे ज्यादा कॉल महेश शेट्टी को किए हैं। निधन से एक रात पहले भी सुशांत ने महेश शेट्टी को फोन किया, लेकिन ज्यादा रात हो जाने की वजह से महेश शेट्टी फोन नहीं उठा पाए और अब महेश ने सुशांत को याद करते हुए एक भावुक पोस्ट सोशल मीडिया के जरिए लिखा है। इंस्टाग्राम पर महेश लिखते हैं, कभी कभी जिंदगी में आप किसी से मिलते हैं और एक रिश्ता महसूस करते हैं, जैसे कि आप उसे अपनी पूरी ज़िंदगी से जानते हैं। आपको एहसास होता है कि आपको भाई बनने के लिए उसी गर्भ से पैदा नहीं होना। इस तरह हम मिले। अगर हम फिल्म सिटी में भोजन और लंबी सैर नहीं करते तो हमें एहसास नहीं होता कि हम कब और कैसे एक दूसरे के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गए। इतनी सारी यादें, इतनी यात्राएं, हमारी अंतहीन चैट, भोजन, फिल्में, किताबें, प्रकृति, विज्ञान, संबंध और बहुत सारी बकवास। वो उस बच्चे की तरह था जो किसी कैंडी शॉप पर खड़ा हो। ज़बरदस्त एनर्जी और सपने ऐसे जो कभी ख़त्म नहीं होते। उसने मुझे प्यार का एहसास कराया। हमने एक अनोखा बंधन साझा किया और मुझे हमेशा खुशी हुई कि हमारे रिश्ते को प्यार या सार्वजनिक मान्यता के किसी भी सार्वजनिक प्रदर्शन की ज़रूरत नहीं थी। ये हम दोनों के लिए पवित्र था। महेश शेट्टी लिखते हैं, उसकी सफलता, उसकी उपलब्धियां, उसका काम, वो हमेशा एक पूर्णतावादी था और चाहे जो भी कहूँ, मैं कभी उसकी प्रतिभा की व्याख्या नहीं कर पाऊँगा। मैं कभी भी ये व्यक्त नहीं कर सकता कि हर बार जब मैंने उसकी फिल्म को बड़े पर्दे पर देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई और कड़ी मेहनत के सभी दिन और रात उसने अपने किरदारों के पीछे लगा दिए। उसकी आंखों में सपने के साथ जीवन से भरा था। जो भी उससे प्यार करता वो हमेशा मेरे परिवार का हिस्सा बन जाता और वो हमेशा उसी तरह रहेगा। आखिर में महेश लिखते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये सब मैं तुम्हारे लिए लिखूंगा भाई। कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुम इतनी जल्दी चले जाओगे। मैं हमेशा तुम्हें विरासत के तौर पर अपने दिल में रखूंगा और इसे बेकार नहीं जाने दूंगा। काश दुनिया तुम्हारे काम की तरह तुम्हारी ज़िंदगी का जश्न मनाती। यदि आप अचानक अपने दिल का टुकड़ा खो देते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं? तुम जानते थे कि शेट्टी है और तेरे साथ हमेशा रहेगा, फिर क्यों? बात तो कर लेता। मुझे पता है तुम सितारों से कितना प्यार करते थे। धरती माँ की कसम, मैं हर रात तुम्हें देखूंगा। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से मेघा की रिपोर्ट।